हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को हम आलू टमाटर मसालेदार दम बनाने के लिए बता रहे हैं। आप लोग हमारे साथ देखें और किस तरह करके हम सब्जी बना रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे सब्जी को आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। अब देखिए, आलू टमाटर मसाले दम बनाने के लिए हमें क्या क्या उपकरण की ज़रूरत है, ठीक है। अब बता रहे हूँ हम, ये वो आलू जो मैंने 200 ग्राम लिए हैं, वो लाल वाला आलू है, उसको हम क्या करें, 4 सीटी देकर फिर इसको हमने सिझा कर छील के रखे हैं, ठीक है। इसके बाद लिए हमने 3 टमाटर, उसको हमने क्या क्या चॉपर कर लिए। इसमें 2 बड़े प्याज लिए, प्याज को चॉपर कर लिए हैं, और इसमें लहसुन है, इस लहसुन की 6 कली लिए, उसको चॉपर किए, और सूखा एक हरी मिर्चा उसको चॉपर किए। इसमें 1 चम्मच छोटा सा नमक है, और ये हल्का इसमें चीनी है। इसमें हमने क्या लिए, धनिया पाउडर है, इसमें मिर्चा पाउडर है इसमें, और यह कश्मीरी मिर्च है, इसमें हल्दी है, और ये गरम मसाला है। इसी चम्मच से ही हमने सारा चीज़ लिए, ठीक है। अब आपको बता रहे हूँ कि इसमें हमने 2 प्याज लिए हैं, इसमें से 6 कली लिए हैं लहसुन का, और 3 टमाटर है, ठीक है। और इसमें 2 चम्मच तेल है, और ये पानी है, 1 गिलास पानी है, उस पानी से ही हम ये रेसिपी को तैयार करेंगे। चलिए कैसा लग रहा है, आप लोग मेरे साथ रहें। अब देखिए, इसमें कढ़ाई को गर्म करके थोड़ा तेल देकर हम आलू को फ्राई कर रहे हैं। आलू को हम क्या किए थे कि इससे हमने आलू को, जैसे ये चीज़ है कटर से, इसको हमने छेदी से क्या हुआ कि मसाला चले जाए। आलू को हमने आधा घंटा पहले हल्दी देकर मैरिनेट करके रखे थे, और आलू को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए रख रहे हैं। अब फ्राई किया हुआ आलू को मैंने, सारे आलू को मैंने निकाल ले रही हूँ। जितने फ्राई किए हैं सारा आलू को हमने निकाल ले रही हूँ। तेल में गरम मसाला, तेजपत्ता, जीरा वगैरह डाले। अब प्याज जो है, इस प्याज को हमने डाल दे रहे हैं, जो चॉपर प्याज है उसको हमने इसमें डाल दे रहे हैं। प्याज हल्का फ्राई होने के बाद फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें लहसुन और मिर्चा ये डाल देंगे, लहसुन मिर्चा डाल देंगे, और टमाटर डाल देंगे, जो टमाटर जो लिए थे उसकी वो डाल देंगे। डालकर इसके फिर इसको 5 मिनट हम भूंजेंगे, इसको 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। तब चलिए इसमें इसके ढक्कन हटा के देखते हैं कि ये मेरा फ्राई हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हल्का सा जो नमक है वो नमक डाल देंगे, इसमें नमक डाल के नमक से इसको ये कर लेंगे। उसके बाद जो मसाला ये है, जो मसाला था वो हमने दही में 5 मिनट पहले मैरिनेट करके मिला के, इससे क्या होता है कि फटता नहीं है दही में, ठीक है, इसको हमने डाल दिए। अब इसको चला कर इसमें हल्का सा हमने जो मसाला का पानी है वो हम इसमें डाल देंगे, वो डालकर फिर हम इसको चलाएंगे, और फिर इसको हमने 5 मिनट तक और पकाएंगे, ढक के 5 मिनट और पकाएंगे। अब देखते हैं आलू मसाला फ्राई हो गया कि नहीं। हाँ, एकदम कितना अच्छा फ्राई। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हल्का सा पानी डाल देंगे, इसमें हमने हल्का सा पानी डाल दी, ये देखिए इसमें थोड़ा सा रस टाइप का ग्रेवी रखेंगे, इससे देखने में ये थोड़ा, अब 10 मिनट में के लिए इसको ढककर पका के उसके बाद ये करेंगे। अब लीड हटा के देखते हैं कि मेरा सब्जी सिझ गया कि नहीं। अब मेरा सब्जी तो हो गया तैयार। अब इसमें हमने गरम मसाला देकर और इसको दो मिनट के लिए इसको ढककर फिर गैस को हमने ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरे आलू टमाटर और मसालेदार सब्जी आप लोग को कैसे लगा, अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स करें। मैं नीता दत्ता शर्मा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी सब्जी आप लोग को अच्छे लगे। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मैं नई रेसिपी लेके आप लोग के पास आऊँगी, ठीक है। नमस्कार।